सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी साधना मिस आज आपके पास पाठ्य पुस्तक दिशा से एक कविता पाठ करने आई हूँ और इस कविता के संबंध में बताऊंगी भी। इसके पहले आप लोग शब्द और मात्राएं सीख चुके हैं, वाक्य भी बनाना जान गए हैं और पढ़ना लिखना भी सीख लिए हैं, इसलिए कविता और कहानी पढ़ने में आपको परेशानी नहीं होगी। बच्चों, आज जिस कविता को मैं आज पढ़ूंगी उस कविता का नाम है सब्जी खाओ। सब्जी सभी को खाना चाहिए बच्चों, मैं भी खाती हूँ, आप भी खाएं। कुछ बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं वो अस्वस्थ रहते हैं, वो जल्दी स्वस्थ नहीं हो पाते, इसलिए सब्जी खाना चाहिए। बच्चों, इस कविता का शीर्षक नाम है सब्जी खाओ। इस कविता का पाठ करती हूँ। नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों, जो खाना तुम खाते हो उनमें सब सब्जी भी खाओ। क्यों तुम नाक चढ़ाते हो? सुंदर स्वस्थ शरीर बनेगा, हो जाएगा तेज दिमाग। लौकी, तोरी, खीरा, गोभी और खाओ सरसों की साग। फिर से इस कविता को पढ़ती हूँ। नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों, जो खाना तुम खाते हो उनमें से सब सब्जी भी खाओ। क्यों तुम नाक चढ़ाते हो? सुंदर स्वस्थ शरीर बनेगा, हो जाएगा तेज दिमाग। लौकी, तोरी, खीरा, गोभी और खाओ सरसों का साग। हाँ बच्चों, सभी सब्जी खानी चाहिए, है ना, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। मैं भी सब्जी खाती हूँ, जैसे बैंगन, टमाटर, गाजर और प्याज भी खाती हूँ। तो बच्चों, आज से आप लोग सभी को ही सब्जी खाएंगे, है ना, और स्वस्थ रहेंगे। सब्जी खाने से बीमारियों से हम लड़ सकते हैं और हमें फल भी खाना चाहिए। और इस कविता में बताया गया है कि कुछ बच्चे नाक सिकोड़ते हैं, नाक चढ़ाते हैं सब्जी खाने से, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चों, इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न होमवर्क में आप लोग बनाएंगे। चैप्टर 4 पेज नंबर 57, 58 और 59 अपनी कॉपी में इसे बनाइएगा। ऊपर में होमवर्क और डेट लिखिएगा, नीचे एक एक लाइन छोड़कर सभी प्रश्नों के उत्तर बनाइएगा। समझ गए ना बच्चों? अगली बार मैं फिर कोई कविता या कहानी लेकर उपस्थित होंगी। आज के लिए बाय बाय।